मनीष कश्यप पर 13 मुकदमे हुए हैं, ठीक है, तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु में 13 मुकदमे, 14 मुकदमे हुए हैं बिहार में, एक मुकदमा उन पर नहीं उनके चैनल पर हुआ है बनारस में, और एक मुकदमा हुआ है तिरुपुर में। मदुरई जो है वो ले जाया जाएगा, यही उनका शेड्यूल है। मदुरई में उनकी जो है वो पेशी होगी, रिमांड पे पूछताछ होगी, और पूछताछ करके और तमिलनाडु पुलिस 14 दिन पूरा होते ही वापस कर देगी। बिहार पुलिस ने कोई टॉर्चर नहीं किया है, जिस तरह से बिहार पुलिस ने बिल्कुल ही सही ढंग से उनके साथ व्यवहार किया। पुलिस मेरे साथ कहीं हो गई है, बिहार पुलिस ने भी मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया है। सच्ची बात यह है कि आज भी सबसे ज्यादा ईमानदार अफसर आपको मिलेंगे तो पुलिस विभाग में मिलेंगे। बुरा लगा था क्योंकि शुरू में पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला था, राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला था कि उनको जो है गमछा और हथकड़ी ये सब लगाया गया, जो व्यवहार किया गया, जो नीचे बैठा दिया गया, कुर्सी नहीं मिली, तो ये थोड़ा सा बुरा लगा। जब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो शायद वो पनीर हो जाए। मवालियों को ना देखा करो हिकारत से, क्या पता कब कोई गुंडा वजीर हो जाए। शांत सिंह राजपूत के मामले में तो यहाँ से जो पुलिस वाले गए थे, जबरन उनको क्वारंटाइन कर दिया गया और उनके साथ बदतमीजी की थी वहाँ की पुलिस। तो बिहार के नेताओं का विल पावर मजबूत नहीं है कि बिहारियों के साथ खड़े हो जाएं। तमिलनाडु की जो पुलिस आई थी, उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा कि आप हिंदी में बात करिए, तो करिए आई डोंट नो हिंदी। इफ़ यू डोंट नो हिंदी, व्हाई डिड यू कम टू टेक अ हिंदी स्पीकर पर्सन, वेर इज योर ट्रांसलेटर, कॉल हिम। एक बार फिर से हमारे साथ मोतिहारी के मशहूर वकील डॉक्टर एस के पंकज सर हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है सानी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले भी आपसे कई बार मैं इंटरव्यू में बात कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ, और उस इंटरव्यू के दौरान आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। लोगों ने काफ़ी देखा, सराहा भी उसको, और जो सच्चाई की आवाज़ एक थी वो लोगों तक पहुँची। धन्यवाद सर। अभी तक का अपडेट हम मनीष कश्यप के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ईओ के रिमांड के बाद तमिलनाडु पुलिस तमिलनाडु ले गई है, और अभी तक क्या अपडेट निकल कर आया, क्या कानूनी प्रक्रिया, उन पर क्या प्रक्रिया हुई है, क्या जांच हुई है, क्या निकल कर अभी तक है, उसके बारे में हमें अपडेट बताइए। देखिए, ईओयू जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस रिलीज जारी करके कोई सूचना नहीं दे रही है, लेकिन आज एक जो है रजिस्टर्ड अखबार के हवाले से खबर आई है कि उनको ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है, और वो पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने चलते फिरते जो है कुछ मीडिया पर्सन्स को बाइट भी दिया। बदलेगा बिहार आज नहीं तो कल जरूर बदलेगा। और उस बाइट में वो वही बात बोले हैं जो मैं लोगों को बता रहा था। अच्छा, देखिए, वो जेल में है, मैं एक बार भी गया भी नहीं मुलाकाती करने, रिमांड पे थे, कभी मैं गया भी नहीं मुलाकात करने, लेकिन जो बात मैंने बताई थी अक्षरशः वही बातें उनके सामने आ रही थी। क्या मैंने कहा था कि नेता लोग गड़बड़ी करते हैं, प्रभावित करते हैं जांच को, केस को, मुकदमा को, सच्चाई को, न्याय को, नेता लोग प्रभावित करते हैं, पुलिस कभी प्रभावित नहीं करती। पुलिस पर विश्वास रखना चाहिए, न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए, पुलिस हमेशा अच्छा काम करती है और करती रहेगी। कुछ समय के लिए जो लेजिस्लेटिव के लोग होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के लोगों को ज़रूर दबा देते हैं, लेकिन जैसे ही उनका हस्तक्षेप हटता है उसके बाद एग्जीक्यूटिव का, खास करके पुलिस विभाग जो है वो काफ़ी ईमानदारी से काम करता है। देखिए, पुलिस विभाग में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारी नाराज़गी होती है, और 2-4-10% के कारण पुलिस की ख़राब इमेज बन जाती है फिल्मों में, सीरियल्स में, पुलिस का जो क्रूर चेहरा दिखाया गया है वो भी एक कारण होता है, इसका बड़ा कारण होता है। लेकिन सच्चाई बात यह है कि आज भी सबसे ज़्यादा ईमानदार अफसर आपको मिलेंगे तो पुलिस विभाग में मिलेंगे। आज भी डीएन गौतम के नाम की कस्में खाई जाती हैं, रतन संजय के नाम से जो अपराधी थरथराते थे, हरिकिशोर राय हैं अभी शायद सीतामढ़ी या शिवहर के SP हैं, उनके ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं। अपने ये मोतिहारी ज़िला के SP हैं कांतेश मिश्रा, जिस दिन आए उसी दिन से अपने ही विभाग के भ्रष्ट अफसरों पर डंडा चलाना शुरू कर दिए, सस्पेंड किए, दुर्दांत अपराधी को अत्याधुनिक हथियार और बहुत हाई प्रोफाइल हथियार के साथ उन्होंने जो है वो पकड़ करके अरेस्ट कर लिया। तो अगर देखा जाए तो पुलिस में जो है वो ज़्यादा अच्छे लोग ही हैं, लेकिन चूंकि जनता का डायरेक्ट काम होता है और जनता पहुंचती है हर जगह से हार थक करके, तो उसमें अगर 2-4-5-10% भी अगर भ्रष्ट लोग मिल जाते हैं तो जनता को लगता है कि बहुत बुरा हुआ। तो लोगों को ऐसी आशंका थी कि हो सकता है ईओयू रिमांड पर रखी है तो मनीष कश्यप को टॉर्चर किया जा रहा हो, लेकिन मनीष कश्यप से बताया जा रहा है कि जेल में बहुत पीटा भी जा रहा है,
कोई टॉर्चर उनको नहीं किया जा रहा है। और मैं अक्सर बताता हूँ कि अगर आप अपने घर में हैं तो सुरक्षा की गारंटी नहीं है, हो सकता है आपके घर में डाकू घुस जाए, चोर घुस जाए, उसके बाद पुलिस जो एक्शन लेना है सो लेगी। लेकिन जब आप रिमांड में होते हैं, जब जुडिशियल कस्टडी में होते हैं, उस समय आप देखिएगा तो कहिएगा कि नहीं, उस समय व्यक्ति एकदम 100% सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, ये चीज़ है। अब अगला सवाल, तमिलनाडु पुलिस अपने गिरफ्त में ले गई है, वहाँ पर किन किन तथ्यों पे मनीष कश्यप से पूछताछ होगी, जांच होगी, उस सब पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, मनीष कश्यप पर 13 मुकदमे हुए हैं, ठीक है, तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु में 13 मुकदमे, 14 मुकदमे हुए हैं बिहार में, एक मुकदमा उन पर नहीं उनके चैनल पर हुआ है बनारस में, और एक मुकदमा हुआ है तिरुपुर में। अब रही बात क्या है कि इसमें यानी तमिलनाडु में 13 मुकदमे हुए हैं जिसमें नामजद वो हैं 6 मुकदमों में। अच्छा। तो उन सारे बिंदुओं पर पूछताछ की जाए, 10 मिनट के करीब, 8-10 में शायद था, एक फ्लाइट से उनको ले जाया गया है जो बेंगलुरु पहुंची होगी 10:50 में, 10:50 में बेंगलुरु पहुंची होगी, और वहां से उनको मदुरई जो है वो ले जाया जाएगा, यही उनका शेड्यूल है। मदुरई में उनकी जो है वो पेशी होगी, रिमांड पे पूछताछ होगी, और पूछताछ करके और तमिलनाडु पुलिस 14 दिन पूरा होते ही वापस कर देगी। अगर रिमांड बढ़ाने का तमिलनाडु पुलिस पिटीशन देती है तो कोर्ट उस पर विचार करेगा। पटना के स्पेशल कोर्ट से उनको ट्रांजिट रिमांड की परमिशन मिली है तमिलनाडु पुलिस से, और जिस तरह से बिहार पुलिस ने कोई टॉर्चर नहीं किया है, जिस तरह से बिहार पुलिस ने बिल्कुल ही सही ढंग से उनके साथ व्यवहार किया है, और जो मनीष कश्यप बता रहे हैं, शुरू में मुझे बुरा लगा था क्योंकि शुरू में पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला था, राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला था कि उनको जो है गमछा और हथकड़ी ये सब लगाया गया, जो व्यवहार किया गया, जो नीचे बैठा दिया गया, कुर्सी नहीं मिली, तो ये थोड़ा सा बुरा लगा था। लेकिन ये सब कुछ हुआ है तो आईपीसी का वायलेशन तब, सीआरपीसी का वायलेशन तब कहा जाएगा जब उन्होंने सरेंडर किया और उसके बाद उनको मुंह पर गमछा, दुर्दांत अपराधी नहीं थे फिर भी उड़ा दिया गया और हथकड़ी। लेकिन फिर सीआरपीसी में ये भी है कि उस तरह से ले जाना है तो उसके बाहर कोई नहीं जा सकता है, ठीक है। अब उनके केस में नहीं ले जाना था, यहाँ चूक हुई थी, लेकिन वो नहीं ले जाया जाता है ऐसी कोई बात नहीं, और पुलिस को कुछ स्वविवेक भी होता है, हो सकता है आइडेंटिटी छुपाने के लिए, चूंकि मनीष कश्यप एक बहुत बड़े जनता के सेलिब्रिटी हैं, हो सकता है रास्ते में लोग देखते कि मनीष कश्यप जा रहा है, कहीं रोक देते, टोक देते, बहुत सारी बातें होती हैं, तो इसके कारण या पॉलिटिकल दबाव भी रहा होगा तो उसके कारण उनके जो है चेहरे पर ढका गया, नीचे बिठाया गया और हथकड़ी लगाई गई, ये तीन चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद से उनको एक डंडा भी नहीं मारा गया है। एक यूट्यूबर है, गजड़ी पत्रकार और एक यूट्यूबर का जो है वो की चर्चा हो रही थी, तो गजड़िया बोला उसको और वो गाली दे रहा था, यूट्यूबर जो है कोई दुबे करके नाम है उसका, तो कह रहा है कि अभी आवाज़ आ रही है, मैं बगल में बैठा हूँ। पुलिस को तो तत्काल एक्शन लेना चाहिए कि आप जो है मूव इंस्टिगेट कर रहे हैं, यू आर प्रोवोकिंग द सपोर्टर्स ऑफ मनीष कश्यप, तुरंत उनको अरेस्ट करना चाहिए था, पुलिस को उन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन दिक्कत यह है कि पता नहीं क्यों पुलिस सिर्फ मनीष कश्यप के ही पीछे रही पड़ी हुई है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो जात पात करते हैं, जो पत्रकारिता नहीं करते हैं, जात पात ही करते हैं, उनको पुलिस नहीं उठाती है। सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन मनीष कश्यप कभी जात पात नहीं किए, मनीष कश्यप का जात के मामले में आज भी लोग कन्फ्यूजन में, कुछ लोग ब्राह्मण कहता है, पहले शुरू में लोग राजपूत बोला, उसके बाद ब्राह्मण कहा, उसके बाद भूमिहार कहा, तो कौन जाति से है कोई नहीं जानता है। लेकिन जो लोग जात पात करते हैं उनको पुलिस नहीं पकड़ती है, जो लोग एक जात का होकर दूसरे जाति को खुलेआम गाली देते हैं उनको पुलिस नहीं पकड़ती है। यही मनीष कश्यप से मगैया जवान के जो समर सिंह, गौतम सिंह है, देखिए कितना गंदा गंदा उनके जात का नाम लेकर के मनीष कश्यप का गाली देते, बाद में कॉम्प्रोमाइज हो गया, आज समर्थन में, ये अलग चीज़, तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है। उसी तरह विनय दुबे, नाम ले ही लेता हूँ मैं, विनय दुबे है, कह रहा था कि अभी बर्फ की सिल्ली गई है, मैं देखा हूँ, तो जब ईयू ने बर्फ की सिल्ली नहीं यूज किया मनीष कश्यप को टॉर्चर करने के लिए, पिटाई नहीं हुई, कोई आवाज़ नहीं हुई, तत्काल उस पर FIR होकर के उसको जेल भेजना चाहिए था। ऐसे लोग प्रोवोक करने का काम करते हैं कि मनीष कश्यप का समर्थक ज़्यादा है, उसको प्रोवोक करेंगे तो समर्थक को जेल जाएंगे, तो समर्थकों की संख्या कम हो। मनीष कश्यप एक्शन लेना चाहिए। तो मनीष कश्यप एयरपोर्ट जाते समय एक स्टेटमेंट यूज किया कि पहली बार पत्रकार के साथ ट्रांजिट पॉलिसी को प्रयोग किया जा रहा है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि ये मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि राज ठाकरे खुलेआम बिहारियों को गाली देते हैं, मारते हैं, भगाते हैं, सब कुछ कहते हैं। वहाँ की स्टेट
और देखिए, जब मामला एक बार आया था सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, तो यहाँ से जो पुलिस वाले गए थे जबरन उनको क्वारंटाइन कर दिया गया और उनके साथ बदतमीजी की थी वहाँ की पुलिस। तो बिहार के नेताओं का विल पावर मजबूत नहीं है कि बिहारियों के साथ खड़े हो जाएं। मैं आपसे भी कहता हूँ, जितने मनीष कश्यप के फॉलोअर पत्रकार हैं वो जय हिंद कहते हैं, बिल्कुल जय हिंद कहिए, भारत हमारी माँ है, भारत हमारा देश है, लेकिन जय हिंद के साथ साथ जय बिहार जरूर कहिए। जब तक बिहारीपन नहीं आएगा तब तक आप बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, और जब बिहार नहीं आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो राज ठाकरे इतना गाली देता है, अरविंद केजरीवाल ने हमारा जो हमको बेइज्जत कर दिया कि बिहार के मेडिकल व्यवस्था जो है, असम में हमारी पिटाई हुई, हर जगह पिटाई हुई, तमिलनाडु में भी प्रताड़ना हुई, हमको जो है वो प्रताड़ित किया गया और किया जाता है। तमिलनाडु की जो पुलिस आई थी उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा कि आप हिंदी में बात करिए, तो करिए आई डोंट नो हिंदी। इफ़ यू डोंट नो हिंदी व्हाई डिड यू कम टू टेक अ हिंदी स्पीकर पर्सन, वेर इज योर ट्रांसलेटर, कॉल हिम। आप एक अनुवादक लेके आई होंगी ना, हो सकता है मनीष कश्यप को रास्ते में भूख लगे, प्यास लगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनके बातों को आप कैसे समझ सकते हैं। या अगर मीडिया में, या तो आप बयान नहीं देती, कहती कि मैं बयान नहीं दूंगी, या अगर दे रही हैं तो आप कहती कि ठीक है मेरे हिंदी ट्रांसलेटर से बात करिए, टॉक टू माई हिंदी ट्रांसलेटर। दिक्कत यह है कि ये तमिलनाडु के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, जितने भी लोग हैं, हम हिंदी भाषियों से, हम भोजपुरी भाषियों से इतना नफरत करते हैं ना, कि ये लोग जैसे ही इन लोगों से हिंदी में बात करिए तो हिंदी जानने के बाद बावजूद भी ये लोग नहीं बोलते हैं, सीधे जानते हैं लेकिन नहीं बोलते हैं। और आपस में ये लोग बंगाल वाले बंगाली में बात करेंगे, तमिलनाडु वाले तमिल में बात करेंगे, कोई कन्नड़ में, कोई मलयालम में बात करेगा, और हम लोग इतने स्टैंडर्ड हैं कि अपने बच्चों को पीटते हैं कि भोजपुरी नहीं बोलना है, हिंदी में बोलो। ठीक है, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप मुझसे भोजपुरी में सवाल करिए, हम हमेशा भोजपुरी में बोलम, आना तो अंग्रेजी में बोलम। ये हिंदी भाषी होकर के जो ना तरीका से हमने के हिंदी भाषी होकर के सजा देवल जाता, ये काफ़ी निंदनीय बा, एकर जौन बटे ये चीज़ बा। खैर ये सब बात समझी, लेकिन फिर भी हमनी का संघीय व्यवस्था में, संघीय ढांचा में विश्वास बा, और हम लोग इनको क्या करेंगे कि इसकी इज्जत करेंगे, और हमारा देश, जितने हमारे तमिलनाडु के भाई प्रिय हैं उतने ही बिहारी भाई प्रिय हैं और उतने ही बंगाली भाई प्रिय हैं, लेकिन वो लोग हमको नहीं इतना मानते हैं। तो अब क्या है कि तमिलनाडु की पुलिस जब एक बिहार की आवाज़ उठाने वाले, ब्रांड बिहार का जो है वो टी शर्ट बांट करके और बिहार के ब्रांडिंग करने वाले, गर्व से बिहारी कहलाने वाले युवा को जब ट्रांजिट रिमांड पर ले रही थी, तो उस समय बिहार पुलिस को, बिहार की सरकार को उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, बिहारी लड़का के पक्ष में, सन ऑफ बिहार के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। तो यहाँ पर सीधे सीधे उसको अपराधी बना दिया गया। और महाराष्ट्र वाले लोग जय हिंद बाद में बोलते हैं, जय मराठा पहले बोलते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, हिंदी को जब जब जो है आठवीं राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात होती है तो तमिल वाले विरोध करते हैं, तो इनको हिंदी से तो कुछ ना कुछ नफरत जरूर है, लेकिन उस नफरत को नफरत से नहीं धोया जा सकता है, उसको मोहब्बत से धोया जा सकता है। और यही मोहब्बत फैलाने की कोशिश की थी मनीष कश्यप ने या कुछ लोगों ने कि भाई हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, ये मत करिए, हम आप ही का। तो आज बिहारी लोग जाना छोड़ दें, बिहारी कहीं बोझ बन के नहीं जाते हैं, लोगों का बोझ उठाने जाते हैं, तो जाना छोड़ दें तो कई इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, कई इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगे, कई उद्योग, कई नौकरी पेशे खत्म हो जाएंगे, उस वो राज्य पूरा घाटे में चला जाएगा, आर्थिक घाटा उसको चला जाएगा। लेकिन हम बिहारियों को बिहारी बनना कभी नहीं आया, समस्या यही है जिसके कारण बिहार विकसित नहीं हुआ। तो यही समस्या है। देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है कि हिस्ट्री इज द अर्थ हुज लैंग्वेज इज द सन, यानी इतिहास उन्हीं का बनता है जिनकी भाषा सूर्य के समान चमकती हुई हो। हम बिहारियों की भाषा भोजपुरी, मगही, बज्जिका, अंगिका, ये जितनी भाषाएं हैं, मैथिली, इन भाषाओं पे हमने कभी गर्व करना सीखा ही नहीं। हमने अपने बच्चों को हमेशा हिंदी बोलवा करके गर्व किया। अच्छा, मनीष का सब लास्ट समय एयरपोर्ट पर सब थे, लोगों से, प्रेस मीडिया से बात किए, तो एक लाइन यूज किए जो हमेशा से करते हैं, एक दिन बदलेगा बिहार। बिल्कुल, और बिहार कैसे बदलेगा उन पे थोड़ा सा। बिहार बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि बिहार का लड़का है, बिहार को जेल में डाल दीजिए, बदल जाएगा, निकलेंगे ना, वो न्यायालय पर पूरा भरोसा है ना लोगों को। मनीष कश्यप और भाषा का प्रयोग किए कि प्रशासन में मुझे भरोसा है, बिहार पुलिस पे, तमिलनाडु पुलिस पे भरोसा, लेकिन नेताओं पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल, कैसे बदलेगा बिहार? मैं तो अक्सर कहता हूँ ना, कवि सम्मेलनों में जाइएगा तो कवि सम्मेलन में कितने बड़े बड़े कुमार विश्वास, इतने बड़े कवि हैं, वो भी कहते हैं कि गजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो शायद वो पनीर हो जाए, मवालियों को ना देखा करो हिकारत से, क्या पता कब कोई गुंडा वजीर हो जाए। तो गुंडे मवालियों का वजीर बनना, मंत्री बनना, सांसद बनना, विधायक बनना,
बिहार में जो पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके सबसे ज़्यादा विधायकों पर हत्या बलात्कार जैसे संगीन मामले भारी संख्या में दर्ज हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि एक नाइन्थ फेल लड़का जब हमारा कुछ बन जाएगा, डिप्टी सीएम बन जाएगा या कुछ भी बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, तो जाहिर सी बात है उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। उससे ज़्यादा पढ़ लिख के मैं अगर सीएम नहीं हूँ, अगर आप जो है वो सीएम नहीं है, आप मंत्री नहीं है, सांसद नहीं है, और हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में युवा जो है वो बीए एमए एलएलबी वो ईटेक बीटेक एमबीए सब करके बेरोजगार हैं, और कोई नौवा फेल बन करके या 2 लाख रुपए का महीना विधायक के रूप में उठा रहा है, और विधायक और मंत्री बन के जो है वो वेतन उठा रहा है, उसका पेंशन पूरे जीवन उठाएगा, तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत तो होगी नेताओं से। और नेता के बारे में तो कहा जाता है कि मेरी गली का एक नेता कहीं खो गया है, ज़रा पता करना कहीं आदमी तो नहीं हो गया। आप आदमी हैं तो 3 महीने में नेता बन जाइएगा, नेता 3 जन्म में भी आदमी नहीं बन सकता है। तो इसलिए नेताओं पर कैसे विश्वास किया जाए। पुलिस पे इसलिए विश्वास है क्योंकि पुलिस के लोग खाकी वर्दी में आते हैं, एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ लिख करके आते हैं, आईपीएस अफसर बनने के लिए रात रात भर जग करके मतलब वो किताबों की छलनियाँ ख़त्म करनी पड़ती है, कितना रात लालटेन में आँख जला करके पढ़ते हैं, कितना रात जगते हैं, कितना मेहनत करते हैं, तब जा करके आईपीएस अफसर बनते हैं। दरोगा बनने के लिए 1600 मीटर की दूरी का दौड़ तय करना होता है, हाई जंप 4 फीट का तय करना होता है, 16 फीट का लॉन्ग जंप होता है, शॉर्ट पुट थ्रो होता है, इतना मेहनत करके शरीर गला करके दुबला पतला होकर के फिट होकर के और तब जो है वो फिजिकल निकलता है, साथ साथ रिटेन भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है। तो इतना मेहनत करके जो आएगा वो थोड़ा सा ठीक से काम करेगा, लेकिन कोई आदमी अगर सोना के मुंह में चम्मच लेकर के पैदा हो गया और आठवां पास नौवां फेल करके अगर वो काम करेगा तो उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा, जाहिर सी बात। तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार राज्य के ऊपरी अहदों को भी बदलने की कोशिश की जाएगी, बिल्कुल कोशिश की, और जो धरातल पे हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हैं, इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता होगी तभी हमारा बिहार बदलेगा, बिल्कुल उन सबको समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपको भी धन्यवाद। तो आप क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में और बिहार बदलने के बारे में, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, जय हिंद, जय बिहार।